उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर साथियों परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने घर आकर अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए साहेब, बस कीजिए, आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया है, बाबा साहेब बस कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने बहुजन समाज के हजारों बच्चों को मरता हुआ देखता हूँ। रमा चुप हो जा। माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब इस देश पर कौन राज करेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा मैं इस भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में देकर गए, हमें संविधान में देकर गए एक वोट देने तक से लेकर एक राजा बनने तक का अधिकार। लेकिन आज उसी वोट को हम एक दारू के बदले, 500 नोट के बदले या चंद पैसों के बदले साथियों उसको बेच देते हैं। जब तक हम अपने वोट का सदुपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने वोट को जिस तरह से हम अपने घर की बहन बेटियों को सुरक्षित रखते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से हमें अपने उस बहुमूल्य वोट को भी सही दिशा में बहुजन समाज पार्टी के पलड़े में डालना होगा ताकि साथियों हम इस देश के हुक्मरान बन सके और इस देश में बहुजन समाज का जो जिसम है वो स्थापित हो सके और जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं उन पर लगाम लग सके। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से